من سب نبيا من سب نبيا कोई गुलबाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा बस रसूलल्लाह का दीन हसन रह जाएगा नाम शाहने जहां मिट जाएंगे लेकिन नाम शाहने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हशर तक नमो निशाने पर जतन रह जाएगा बस रसूलल्लाह का दीने हसन रह जाएगा सब फना हो जाएंगे काफी वलेक हशर तक आप सारे हजरात मेरे अमीर मोहतरम जिगर गोश है किबला अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रजवी दामत बरकात मुलालिया समेत मेरे जैसे काम कार कौन और पीछे खड़े हुए रसूल रबी की इज्जत के पहरेदार आखिरी कार कौन तक जरा एक बार तसव्वुर तो कीजिए व्हील चेयर पे बैठे हुए मेरे कायद इस तरह हाथ बुलंद करके जिस तरह आप रजामंदी का इजहार करते हुए दुनिया के सामने ये बताते थे और दुनिया के चप्पन इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों आज हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ वरना याद रखना तुम नहीं रहोगे मेरे मुस्तफा की नामोस का परचम सदा बुलंद रहेगा क्योंकि सब फना हो जाएंगे काफी वलेके अशेर तक नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा बस रसूलल्लाह का दीने हसन रह जाएगा आज किबला कायद मिल्लत इस्लामिया के चेहलम के मौके पे आज ये लाखों का इज्तिमा सिर्फ लंगर के लिए नहीं आया ये सिर्फ दुनिया को दिखाने नहीं आया ये सेल्फियां लेने नहीं आया ये अपने कायद के साथ तजदीद अहद के लिए आया है तेरे मुर्शिद हम मरते दम तक तेरे मिशन पे रहेंगे के मन सब नबिया मन सब नबिया हमारी आखिरी सांस तक हमारी नस्लों की आखिरी सांस तक ये नारा रहेगा आया 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 और कोई बहाना नहीं करेंगे जितने कारकुनान जितने जिम्मेदार एक बात याद रखिएगा जब सर्दी लगे बुखार हो जब तहरीक का काम एक तरफ तबीयत में नकात हो मेरे उस्तादों का जनाबे आला फैजाबाद में आना याद कर लेना 104 पे बुखार हो तो सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर कहे आराम कीजिए और हजरत फरमाए क्या कहते हो साहबजादा साहब कहे हजूर जो भी गुजरता है
आपका पूछता है उस्ताद ने कब आना है, तो उस्ताद फरमाने लगे चलो व्हील चेयर लेके चलो हमें जाना है। 104 बुखार में भी फैजाबाद के पल पे मेरे मुर्शिद ने आके बता दिया सारी दवाइयां सारी एहतियात छोड़ के ये कहते हुए चल पड़े के ढूंढे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे आका दे बीमार रहन दे। अरे सोने मैं मंगे ताज दारिया बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे आका दे बीमारां बीमार रहन दे। बस हम इतना कहना चाहते हैं हजरत बीमार नहीं हो, बीमार तो हम थे, हमें हुब्बे रसूल की शिफा देने वाले हमारे मुर्शिद हमारी आंखों से ओझल हुए और जाते जाते हमें बता गए अगर मालकों की बारगाह में इज्जत चाहते हो इतना काम करके जाओ कि जब कब्र में पहुंचो तो सरकार फरमाए वो देखो मेरा फकीर आया है, वो देखो मेरा गुलाम आया। बस इतनी सी बात जल की तख्तियों पे लिख लीजिए जनाबे आला जब तक जीना है हजूर की नामूस पे पहरा देना है, इस आवाज को दबने नहीं देना। मन सब्बा नबिया मन सब्बा नबिया मन सब्बा नबिया। और जो मर्जी हालात हो जाए हमने किबला जिगर गोश अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब का दस्तो बाजू बन के हर हालात में हजूर की इज्जत का पहरा देना है। 17 फरवरी तक हम मुंतजर हैं इंशाल्लाह उस वादे पे अमल होगा। और अगर जो बंदा हेरा फेरी का सोच रहा है उसे पता होना चाहिए ना फैजाबाद दूर है ना असेंबली दूर है ना ये रस्ते दूर है, ये याद रख लीजिए जिस तरह किबला अमीर अल मुजाहिदीन की आवाज पे लब्बैक कहते थे हम उनके लखते जिगर की आवाज पे भी उसी तरह लब्बैक कहते हुए नामूस मुस्तफा का पहरा देते हुए ये सामने बैठे जवान ये सामने बैठे बच्चे ये सामने बैठे मुसाफिर ये खड़े होकर इजहार करे हमने जब तक जीना उसी मिशन पे जीना है और बाबा जी की निशानी का एहतराम करना है और इस आवाज को दबने नहीं देना। Yeah, bye.